नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि देवधर्म 6 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, देवधर्म 6 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और देवधर्म टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और देवधर्म टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी डिस्कस करेंगे कि देवधर्म टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। देवधर्म एक ब्रांड नेम है। देवधर्म टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डिफ्लाजाकोर 6 mg होता है। देवधर्म टैबलेट एक स्टेरॉइड दवा है। देवधर्म टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर, नजला होने पर, एलर्जी होने पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर, लूपस होने पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने पर और कैंसर के इलाज में देवधर्म टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस होने पर, एक्जिमा होने पर, सोरायसिस होने पर, त्वचा पर कोई एलर्जी होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर आदि कंडीशंस में भी देवधर्म टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी डॉक्टर देवधर्म टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। हमारे शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हमारा शरीर ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे। इसलिए ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं के साथ देवधर्म टैबलेट को भी लेने की सलाह दे सकता है। देवधर्म टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है और ट्रांसप्लांट किया गया नया ऑर्गन आसानी से काम कर पाता है। देवधर्म टैबलेट शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करती है। इसलिए इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर देवधर्म टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि देवधर्म टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप देवधर्म टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं तो देवधर्म टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर आपको देवधर्म टैबलेट को केवल 1 या 2 सप्ताह के लिए देवधर्म टैबलेट को लेने की सलाह देता है तो साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम भी कम ही होता है। देवधर्म टैबलेट की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, पेट में बेचैनी होना, घबराहट होना और स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है व डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा देवधर्म टैबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीर में थकान होना, भूख का बढ़ना, वजन का बढ़ना व नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में देवधर्म टैबलेट की वजह से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। लंबे समय तक देवधर्म टैबलेट को लेने से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। लंबे समय तक देवधर्म टैबलेट का सेवन करने की वजह से लिवर डैमेज व ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। देवधर्म टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डायबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। देवधर्म टैबलेट की वजह से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक देवधर्म टैबलेट का सेवन करने से आँखों में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है, जिसकी वजह से आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। लंबे समय तक देवधर्म टैबलेट का सेवन करने से शरीर की त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा पतली होने की वजह से त्वचा में दरारें पड़ सकती है। देवधर्म टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है और शरीर में सोडियम का लेवल अधिक हो सकता है और पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। देवधर्म टैबलेट की वजह से गर्दन, चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है, जिसकी वजह से चेहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। देवधर्म टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है
और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। डेफडर्म टैबलेट की वजह से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चेहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेफडर्म टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टीबी होने पर, डायबिटीज होने पर, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होने पर, थायराइड की बीमारी होने पर, पेट में अल्सर होने पर, किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर आदि कंडीशंस में डेफडर्म टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डेफडर्म टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डेफडर्म टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेफडर्म टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डेफडर्म टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। डेफडर्म टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना डेफडर्म टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेफडर्म टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। डेफडर्म टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। डेफडर्म टैबलेट की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, सोयाबीन व पनीर आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, या आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेफडर्म टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।